हेलो गाइस, कैसे हो। माइनक्राफ्ट हमसे यार बहुत कुछ छुपा के बैठा है, लेकिन आज हम माइनक्राफ्ट के सारे सीक्रेट जान लेंगे। जैसे कौन है ये नल्ला ग्रीन विलेजर जो इधर से उधर घूमता रहता है, एंड इवन माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा तगड़े सीक्रेट मॉब के बारे में भी बात करेंगे। और भी माइनक्राफ्ट में तगड़ी तगड़ी चीजें छुपा रखी है, सबका पर्दाफाश करेंगे। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर लो, लेट्स गो। वेल, माइनक्राफ्ट में आपने कुछ इस टाइप के हेड्स तो देखे होंगे, जैसे ये क्रीपर का हेड या फिर ये प्लेयर का हेड, जिनको आप पहन के बहुत ज्यादा बढ़िया दिखते हैं। लेकिन अभी माइनक्राफ्ट में यहाँ पे पिकलिन का हेड भी ऐड कर दिया है, जिसको ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा नेदर के अंदर। नेदर के अंदर जाते ही आपको पिकलिन ढूंढनी है, वहाँ पे आपको चार्ज क्रीपर फोड़ना है, एंड जैसे ही वो फूटेगा आपको यहाँ पे पिकलिन का हेड मिल जाएगा, एंड इसको पहनने के बाद आप एकदम पिकलिन जैसे दिखोगे। इसके इवन कान भी हिलते हैं। और सबसे ज्यादा मस्त चीज, अगर आप इन हेड्स को रखते हैं नोट ब्लॉक पर, तो इसमें से आवाजें निकलती है, जैसे कि ये है ड्रैगन की आवाज या फिर ये वाली क्रीपर की आवाज, एंड प्लेयर की प्लेयर की तो कोई आवाज ही नहीं होती है। तो ये है सबसे छोटा एक डोंकी, एंड ये है एक हॉर्स डोंकी से भी ज्यादा लंबा, एंड इवन हमारे पास यहाँ पे लामा भी है। लेकिन कैमल को यहाँ पे कोई भी बीट नहीं कर सकता है, तो क्यों ना मैं आपको कैमल के बारे में कुछ तगड़े वाले सीक्रेट्स बता दूं। जैसे कि कैमल आपको सिर्फ यहाँ पे आपको डेजर्ट विलेज के अंदर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी अगर आप जाओगे यहाँ पे ढूंढने सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा। और इसकी हाइट का फायदा उठाना तो यार बनता ही है, लेकिन क्या हम किसी लंबे मॉब से भी बच सकते हैं कैमल के ऊपर बैठ के। जी हाँ, मैं बात रहा हूँ एंडरमैन की, और इससे भी हम यहाँ पे इजीली बच सकते हैं। वह बहुत ही बढ़िया, क्या पता फिर हम वार्डन से भी बच पाए। ये नहीं हो सकता है, जब भी आपको सामने वार्डन दिखे ना भाई, भाग ही लेना वहाँ से। वैसे भी इसकी भागने की स्पीड यार कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, अगर आप इसके ऊपर थोड़े बहुत पोशन फेंक देते ना, तो ये एक लैम्बोर्गिनी से भी ज्यादा फास्ट आपको स्पीड निकाल के देगा। इवन अगर आपके सामने कुछ भी आ जाए, कोई फेंस आ जाती है इजीली पार कर देगा, कोई वॉल आ जाएगी इसके ऊपर सीधा जंप मार देगा, और क्या ही चाहिए आपको। एंड बेचारा ये जी बिल्कुल थक हार जाता है, जब आप इसको मस्त जाके कैक्टस खिला दो कोई दिक्कत नहीं इसको। लेकिन अगर मैं इसको कैक्टस के पास लेके जाता हूँ, हैं, अब तो इसको डैमेज पड़ रहा है, ये क्या बात हुई। आप चाहे मानो या ना मानो, क्रीपर माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा फेमस है। ओप्स, क्रीपर का फेस आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप डेजर्ट टेम्पल में तो जाते ही हो, तो अंदर आपको यहाँ पे क्रीपर का सिर दिख जाएगा, या फिर आप कोई ग्रीन कलर का बैनर या कारपेट बनाते हो, उस पर भी आपको क्रीपर का फेस दिख जाएगा। इवन आप अपने शील्ड पर भी क्रीपर का फेस दिखा सकते हो, या फिर आपने फायरवर्क्स कभी ना कभी यूज करेंगे उसमें भी आपको क्रीपर दिख जाएगा। या फिर इस वाले विलेजर को आपने देखा होगा, इसके पिछू भी यार क्रीपर का फेस लगा हुआ होता है। एंड इवन माइनक्राफ्ट का लोगो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्रीपर का फेस लगा हुआ है। काफी फेमस बंदा यार ये। अभी माइनक्राफ्ट में हमारे पास तीन टाइप के डायमेंशन होते हैं, अपना प्यारा सा ओवरवर्ल्ड, ये खतरनाक सा नेदर, और आखिरी वाला एंड डायमेंशन। लेकिन रुको जरा, माइनक्राफ्ट में पहले स्काई डायमेंशन भी ऐड होने वाला था। यस, स्काई डायमेंशन। आप अपना कहीं मस्त सोने जा रहे हो और एकदम से आप वहाँ पे पहुंच जाओ, और ये जगह यार दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली थी। जिस जगह पे देखो यहाँ पे आपको उड़ते हुए आइलैंड दिख जाते, नीचे अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, और ऐसी हवा में उड़ती हुई कुछ माइनशाफ्ट दिख जाएगी, एंड यहाँ पे आपको कोई भी खतरनाक मॉब से मिलेगा, एकदम हेवन जैसी जगह थी। लेकिन ये माइनक्राफ्ट में ऐड तो हुआ था, बस इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे पूरा एंड डायमेंशन ही बना दिया, जिसमें हमारा ड्रैगन उड़ता रहता है। यू नो माइनक्राफ्ट में काफी सारे मॉब्स होते हैं, लेकिन जब हम माइनक्राफ्ट के स्नो वाले बायो में जाते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा हमें मॉब्स मिलते ही नहीं है। बस कभी आपको ये पोलर बियर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मॉब है जो कि आपको बहुत ज्यादा रेयरली यहाँ पे मिलता है, एंड इसका नाम है आर्टिक फॉक्स। ये नॉर्मल वाली फॉक्स की तरह ही होती है, बस दिखने में यहाँ पे पूरी व्हाइट होती है, बहुत कम ही लोगों ने देखा है इसको। एंड जैसे कि आपको पता है क्रीपर यार कैट से डरता है, एंड डॉग हमारा शीप को डराता रहता है, वैसे ये पोलर बियर और आर्टिक फॉक्स की बिल्कुल भी नहीं बनती है। पोलर बियर इसको भगा भगा के मारता है, पोलर बियर तो यार वैसे भी सबको मारता रहता है एकदम फालतू में। मैं आपको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजर अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड उर्वशी रोटिला है। ये सबसे ज्यादा पुरानी गेमिंग कंपनी है जो कि इंडिया में 2015 से एक्टिव है। यहाँ पे आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन मिलेंगे, और साथ ही सबसे बढ़िया 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट भी है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो, अभी खेलो और आईफोन 13 रॉयल इनफील्ड जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाओ। पोर्टल माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा तगड़ी सी चीज होती है, लेकिन क्या आपको पता है पोर्टल के थ्रू आप माइंड कार्ड्स को भी भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पोर्टल बना दिया है, एंड ये देखो इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, लो चली गई। एंड यहाँ नेदर के अंदर ये रही आपकी कार्ड, इसमें आप चाहे विलेजर डाल दो कोई या फिर कोई मॉब डाल के भेज दो, सब नेदर के अंदर पहुंच जाएंगे। और हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि नेदर के अंदर अगर हम किसी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मारते तो वो सारे पागल हो जाते हैं, उनका पूरा खानदान आपके पीछे पड़ जाता है।
जाता है। लेकिन अगर किसी ज़ॉम्बीफाइड पिकलिन को हम ओवरवर्ल्ड में किसी पोर्टल के पास में भी मार देते ना, पोर्टल के अंदर से ही ज़ॉम्बीफाइड पिकलिन निकलने लग जाएंगे। तो यार इस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो माइनक्राफ्ट में यार काफी सारी बायोम्स होती है। कुछ बायोम्स यार कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी होती है और कुछ बायोम तो भाई जमीन के अंदर भी होती है। लेकिन 1.20 में आने वाली माइनक्राफ्ट के आज तक की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बायोम, जो कि दिखने में यार काफी ज्यादा ही खूबसूरत होने वाली है। हर जगह यहाँ पे आपको पिंक कलर के ट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगे एंड हर जगह जमीन पे यहाँ पे पिंक कलर के फूल उगने लग जाएंगे। वैसे इस बायोम का नेम होने वाला है चेरी ब्लॉसम। एकदम पिंक पिंक वाला बायोम होने वाला है ये। यहाँ पे पेड़ों में से अगर आप प्लैंक्स निकालोगे वो भी पिंक कलर के निकलेंगे, जिससे आप अपने पिंक कलर के घर बना सकते हो, पिंक कलर के दरवाजे बना सकते हो एंड इवन यहाँ पे आप पिंक कलर की बोट बना सकते हो। सुनने में तो ये भी आ रहा है इस सुंदर पिंक से बायोम में खूबसूरत सा एक विलेज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। विलेजर भी इसमें पिंक निकल सकते हैं। तो माइनक्राफ्ट में स्पीड रन करना भला किसको पसंद नहीं है, सबको ड्रीम जो बनना है। एंड जब हम माइनक्राफ्ट में स्पीड रन करते हैं तो आयरन गोलम को बहुत ज्यादा गंदा पीलते हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा कि हम आयरन गोलम को ऊपर चढ़ के ही क्यों मारते हैं? हाँ, मतलब अगर हम 3 ब्लॉक हाइट से मारेंगे तो इसको इजीली पेल सकते हैं और आयरन गोलम हमें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन हम भाई जमीन के अंदर भी तो जा सकते हैं 2-3 ब्लॉक। कभी मान लो आपके पास ब्लॉक ही नहीं है और आयरन गोलम आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो सिंपल 2-3 ब्लॉक नीचे खोदो एंड वहीं से आयरन गोलम को बिल्कुल खत्म कर दो। और ये वाली ट्रिक यार सारे बड़े मॉब्स पे काम करती है। जैसे स्लाइम को इसमें इजीली पेल सकते हो या फिर मैग्मा क्यूब को भी या फिर रेवेजर को, इसको भी इजीली पेल सकते हो आप। माइनक्राफ्ट में एक बार आप जाके ड्रैगन को भी खत्म कर दोगे, चाहे आप विदर को भी पेल दोगे, लेकिन एक काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इन विलेजर्स को इधर उधर करना। इसमें भाई दिमाग का दही हो जाता है। या तो आप बोट यूज कर लोगे ज्यादा से ज्यादा या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर बिठा के इधर से उधर ले जाओगे। लेकिन मैं आपको एकदम सीक्रेट वाला नुस्खा बताता हूँ। मान लो इस विलेजर को मुझे अपने घर पे लेके जाना है, तो अब मेरे को इस विलेजर से बस बातें करनी होगी। नहीं, ये वाली बातें नहीं कि हेलो विलेजर, हाई विलेजर कैसा है, ये बातें नहीं। बस मुझे इस पे क्लिक करना है और थोड़ा दूर चले जाना है, वापस मुझे इस पे क्लिक करना है दूर चले जाना है। ऐसे करते करते विलेजर को पूरा स्कैम करके सीधा उसको आप किडनैप कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। और विलेजर से याद आया, हम जाके विलेजर से कभी भी चोरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी फूड आइटम नीचे गिराते हो तो वो चीज विलेजर इजीली चोरी कर सकता है। वैसे तो आपको पता है ये विलेजर बहुत ज्यादा स्टूपिड होते हैं, लेकिन ये वाला विलेजर सबसे ज्यादा ही फालतू होता है। इसके पास भाई कुछ जॉब वॉब नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा फुल मजे यही मारता है। जैसी रेड होती है भाई चुपचाप जाके छुप जाता है एंड दूसरे विलेजर का इवन बैट भी हथिया लेता है। एंड अगर आप किसी विलेजर को हर्ट करते हो तो ये जाके सबको बता देता है, जिससे ट्रेड महंगी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। और नॉर्मल विलेजर पर हम आर्मर पहना सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। एंड अगर हम थॉर्न्स वाला आर्मर पहनाते हैं तो हमें डैमेज भी पड़ता है। बट आप विलेजर्स पे दूसरों का हेड भी पहना सकते हो, तो अगली बार आपको कोई ऐसा ड्रैगन वाला विलेजर दिख जाए तो समझ लेना उसके साथ क्या हुआ था। अगर आपसे मैं पूछूं कि माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा क्यूट मॉब कौन सा है, नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक्सोलॉटल। एक्सोलॉटल माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा क्यूट मॉब माना जाता है। चलो मान लो कि यार क्यूट तो है ये काफी ज्यादा मॉब, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो भी है। माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा स्लो मॉब है ये एक तरीके से। एंड इस छोटे से प्राणी के भाई नखरे भी काफी ज्यादा है। जैसे अगर आपको इसको खाना खिलाना और इसको आप मरी हुई फिश दे देते ना तो ये बिल्कुल आपको भाव नहीं देता है, लेकिन जैसे ही उसी फिश को आप बकेट में ले जाओ ना एकदम से खत्म कर देगा। एंड अगर आपको कहीं यार ब्लू वाला एक्सोलॉटल मिल जाता ना तो समझ लो भाई आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा रेयर होता है। एक बार आपको पिंक वाली शिप मिल जाएगी, लेकिन इसका ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है यार। वार्डन माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल मॉब है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। इसके सामने कोई भी मॉब खड़ा कर दो, 1 सेकंड में उसका काम खत्म। चाहे वो तगड़ा सा आयरन गोलम हो या फिर स्नो गोलम, सब पेले जाते हैं इसके सामने। लेकिन अभी भी एक ऐसा मॉब है जो वार्डन को इजीली पेल सकता है एंड वो है ये शल्कर। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होगी ना शल्कर वार्डन को हवा में ही उछाल देगा एंड अगर कुछ ऊपर ब्लॉक्स है तो वार्डन वहीं पे डैमेज लेता रहेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई भी ब्लॉक्स नहीं है तो बेचारा वार्डन उड़ता ही जाएगा भाई, सीधा आसमान में पहुंच जाएगा ये। वैसे शल्कर के अलावा माइनक्राफ्ट में और भी काफी सारे मॉब है जो वार्डन को मार सकते हैं, लेकिन हमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्पॉन करने पड़ेंगे। इवन काफी सारे डॉग्स भी वार्डन को इजीली पेल सकते हैं। टर्टल माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं है ये लोग। लेकिन जो बेबी टर्टल होता है वो माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा छोटू मॉब होता है। ये इवन सिल्वर फिश से भी ज्यादा छोटा होता है यार। एंड ये जो टर्टल एग्स होते हैं ये ज़ॉम्बीज को कुचलना बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो ज़ॉम्बी हो, हस्को या फिर ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन, सब इसको कुचलना चाहते हैं। लेकिन अगर यही वाला एग हम 000 कोऑर्डिनेट्स पे रख देते हैं तो ज़ॉम्बीज भाई नेक्स्ट लेवल वाले पागल हो जाते हैं, सारी तरफ से आकर भीड़ लगा देते हैं। एंड हाँ, कुछ मॉब तो इवन गलती से भी टर्टल एग को कुचल देते हैं।
और ये काम आपसे भी हो सकता है लेकिन गलती से। लेकिन जो माइनक्राफ्ट का बैट होता है ना छोटू सा प्यारा सा, वो कभी भी टर्टल एग को नहीं कुचलता है। 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे होता है एंड हर बारी माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को एकदम फुल बना देता है। जैसे 1 अप्रैल फुल अपडेट में माइनक्राफ्ट ने पिंक कलर का वेदर डाल दिया था जो कि दिखने में काफी ज्यादा भद्दा और अजीब लग रहा था। और इस अपडेट में यार इवन विलेजेस भी बिल्कुल बदल जाते हैं और ये टॉर्चेस देखो जल रही है ना, लेकिन ऐसी लग रही है बुझी हुई है। एंड इवन माइनक्राफ्ट के अंदर ऑब्सीडियन की बोट भी डाल दी जाती है जो कि नहीं आप लावा पे नहीं चला सकते इसको बिल्कुल भी। और अगर आप इधर उधर घूमते हैं तो आपको दिखेगा कि काऊ बहुत ज्यादा अजीब सी दिख रही है एंड इवन पिक तो पूरा कार्टून जैसा दिख रहा है। सही उल्लू बनाता है यार माइनक्राफ्ट। एंड अगर आपको उल्लू नहीं बनना है तो यार अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।